नमस्कार। आज हम लोग बनाने वाले हैं चावल के आटे की सुपर सॉफ्ट सी मिनी इडली, और साथ में बनाएंगे प्याज और टमाटर की चटपटी सी चटनी। तो इस इडली के साथ में वो चटनी अगर आप बनाएंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। और ये यम्मी रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, इसे पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं प्याज टमाटर की चटपटी चटनी, और उसके लिए हमने एक कढ़ाई में एक छोटा चम्मच ऑयल डाला था, और उसमें 1.5 चम्मच के लगभग हमने चना दाल डाल दी है। ऑयल बहुत थोड़ा सा ही डालना है, फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में रखना है, और इसको आधा रोस्ट होने देना है। मतलब पूरा अच्छी तरह से अभी रोस्ट नहीं होने देना है। जब इनका हल्का कलर चेंज होने लग जाएगा, जैसे कि अभी हो रहा है आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आधा छोटा चम्मच हम तिल डाल देंगे। तिल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या 1 चम्मच के लगभग इसमें मूंगफली दाने डाल सकते हैं। फ्लेम लो कर लीजिए, और अभी हमने इसमें थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च डाल दी है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितनी डालनी है डाल सकते हैं, इससे कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ में हम डालने वाले हैं इसमें थोड़ी 6-7 लहसुन की कलियां, और इसी के साथ में एक बड़े साइज का प्याज हमने रफली चॉप करके लिया। आप 2 प्याज भी ले सकते हैं, और इसे भी दाल के साथ में मिक्स करके हल्का सा भूनी है। मतलब 1 मिनट के लगभग हम इसे भूनने वाले हैं, और ध्यान रहे दालें जलनी नहीं चाहिए, इसलिए फ्लेम को लो ही रखें आप। तो थोड़ी देर भूनने के बाद जब आप देखें कि दाल का कलर बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन आ गया है, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो इसे अच्छा सा मिक्स करते जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं दालें बिल्कुल अच्छी सी, इनका कलर आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल सुनहला सा कलर आ गया है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इसे और कुक किया तो दालें जलने लगेंगी। तो 2 टमाटर हमने यहाँ पे रफली चॉप करके इसी के साथ में मिक्स कर दिए हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, स्टर कर लेना है थोड़ा देर के लिए, और फिर इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आधा छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद इसे कवर करके टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो पकाने के लिए आप लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाइए। तो इसे ढक देते हैं और सॉफ्ट होने देते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर हो चुकी है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए मैं स्पून से चला रही हूँ, तो आप देख रहे हैं ना हल्के मैसी से हो रहे हैं टमाटर। तो बस ऐसे ही टमाटर हमें चाहिए थे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे ठंडा होने देंगे, और फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे। यहाँ थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो गया, इसे मैंने जार में डाला है। इसे पहले ऐसे ही पीस लिया है, और अब हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पीसने वाले हैं। शुरू में ही पानी ना डालें। और अभी देखिए कितनी बढ़िया स्मूथ से चटनी बनकर के तैयार हो गई है। इसमें तड़का हम बाद में लगाएंगे, और तब तक हम चलते हैं इडली की तरफ। इडली के लिए हमने यहाँ पे 1.5 कप पानी ले लिया है एक पैन में। आप जितनी आटे से इडली बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से पानी ले लीजिए। मतलब बराबर बराबर पानी और चावल का आटा लगेगा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और हम 1 चम्मच के लगभग ऑयल भी डाल देंगे। इसे कवर करेंगे और बॉयल होने देंगे। जब बॉयल होने लग जाएगा उसके बाद हम इसमें चावल का आटा मिक्स करेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो रहा था तो हमने इसमें ये 1 कप आटा डाल दिया है। आधा कप चावल का आटा और डाला है, मतलब 1.5 कप पानी था तो हमने 1.5 कप ही चावल का आटा डाला है। और अब स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, जिससे आटा पानी के साथ में मिक्स हो जाएगा और अच्छे से फूल जाएगा। और बाद में हम इसको गूंथ करके बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हम लगा करके तैयार करेंगे, जैसे रोटी पराठे के लिए तैयार करते हैं ना। तो इस तरह से स्पून से आप जितना मिक्स हो सकता है उतना मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद इसे कवर कर दीजिए। कवर करके 10 मिनट रखना है, फिर हम इसे किसी बड़े बर्तन में डाल के जल्दी से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके थे ढक्कन हटा के। अब ये बहुत गर्म है तो हम इसे एक बड़े से बाउल में डाल लेते हैं, ताकि ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। और इसे बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है। जब ये थोड़ा सा मतलब हाथ से हम इसे टच कर पाए, उतना गर्म हो, तभी हम इसको नीड करके इसका बिल्कुल आटे जैसा सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बहुत गर्म था अभी। यहाँ देखिए अभी थोड़ा सा गर्म बचा है, ये काफी ठंडा हो गया है। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो आप इससे आटा नहीं लगा पाएंगे, बिखरने लगेगा, इसलिए थोड़े गर्म में ही हमें इसको नीड करना होता है। तो हल्का सा ऑयल डाल दिया है हमने इसमें, और अब
इसको अच्छे से मसल मसल के बढ़िया सा आटा लगा लेंगे। तो 2 मिनट तक कम से कम आप इसे अच्छे से मसल लें ताकि हमारी इडली भी अच्छी सॉफ्ट बने और ये आटा भी अच्छा तैयार हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हथेलियों से रगड़ रगड़ के हमने इसको नीट किया है और अब ये बढ़िया सा आटा चिकना सा बन करके तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है। हल्का सा और नीट कर लेते हैं। जितना अच्छे से आप इसे नीट करेंगे ना, उतनी ही बढ़िया और सॉफ्ट स्पॉन्जी इडलियाँ आपकी बनेंगी। तो बिल्कुल आटा बढ़िया सा लग के तैयार हो गया। इसका एक बड़ा पोर्शन हम तोड़ लेंगे। इस तरह से इसे हल्का सा रोल करेंगे। देखिए, इस तरह से इसकी हम एक बड़ी लोई बना लेंगे और फिर जैसे लोई काटने के लिए हम इसे लंबा लंबा फैलाते हैं ना, वैसे ही इसे हम लंबा और पतला रोल कर लेंगे, क्योंकि हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां काटने वाले हैं। तो अगर इस तरह से फैला लेंगे तो आराम से हम इसकी छोटी छोटी लोइयां कट कर पाएंगे। अब एक नाइफ ले लेंगे, या आप हाथ से भी कट कर सकते हैं। नाइफ से इजली और जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी सी हम बॉल्स बनाएंगे। तो इसकी ज्यादा बड़ी बॉल्स नहीं बनानी है, नहीं तो वो अच्छे से पक नहीं पाती हैं। और इसी तरह से पूरे हम पीसेज कट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से कट जाते हैं और आटा भी बहुत ही बढ़िया सा लग करके तैयार हुआ है। तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होती। देखिए, इतनी लोइयां हमने कट कर ली हैं। इसी तरह से सारी लोइयां हम तैयार करेंगे। और जो आटा अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको हम ढक करके रखेंगे, नहीं तो वो सूखने लग जाता है। अब इसमें से एक टुकड़ा लिया है हमने, इसे गोल किया और चपटा कर लिया। इस तरह से हमने लोइयां तैयार करके यहाँ पे देखिए पट्टे पे फैला ली हैं। और अपना एक हमने फोर्क ले लिया है, कांटा, और कांटे से इसमें डिजाइन बनाएंगे। बहुत ही इजली बन जाती हैं और बहुत ही बढ़िया दिखती हैं ये खाने में। ये देखिए, आपने देखा ना कितना बढ़िया से फटाफट हम ये बना सकते हैं, कोई देर नहीं लगती है। तो इसे इस तरह से हम डिजाइन बना लेंगे। आप चाहें तो गोल भी रख सकते हैं। तो देखिए, सारे हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। बाकी जो बचा आटा था उससे भी हम पूरी ये इडलियां बना के तैयार कर लेंगे। ऐसे ये दिखती भी अच्छी हैं। और अब इसे स्टीम करने के लिए हमने इस तरह से एक जाली वाली परात ले ली है। आप चाहें तो दूध वाली छन्नी भी ले सकते हैं जिसमें छेद होते हैं, उससे भी हम स्टीम कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है, ऑयल लगा लिया है इसमें तली में। और अब इसके ऊपर ये जो छोटी छोटी सी डिजाइनर इडलियां हमने बनाई थी ना, वो प्लेस कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। तो आप गोल भी बना सकते हैं, जो शेप आप देना चाहें दे सकते हैं अपनी इच्छा से। बस इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। और इसे अच्छे से फैला फैला के रखेंगे, एक ही जगह पे नहीं डाल देंगे। देखिए, मैंने पूरा अच्छे से फैला फैला के रखा है ना, ताकि ये अच्छे से स्टीम हो। अगर हम एक ही जगह डाल देंगे ना, तो वो स्टीम अच्छे से नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे हमने कढ़ाई में 1.5 गिलास के लगभग पानी बॉईल कर लिया था, उसी के ऊपर हमने ये छन्नी प्लेस कर दी है। और इसे अच्छे से कवर करेंगे। कोई भी ऐसा बर्तन इसके ऊपर ढके जिससे पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाए चारों तरफ से। और इसके बाद 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे। 15 मिनट में आप देख रहे हैं ना रिजल्ट, कितनी बढ़िया सी इडलियां बन करके रेडी हुई हैं। बिल्कुल फूली फूली आपको अभी ऐसे दिख पा रही होंगी। ये देखिए, बिल्कुल ही सॉफ्ट और फूली हुई है। अभी हम इसे उठा नहीं सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे फ्राई करने वाले हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इन्हें निकाल के अलग कर लिया। यहाँ हम इडलियों को फ्राई करने वाले हैं। बिना फ्राई के भी खा सकते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल गर्म करके उसमें हमने डाल दिया 1/2 चम्मच के लगभग तिल, 1/2 चम्मच उड़द की दाल और 1/2 चम्मच ही राई। साथ में 1 मिर्च डाली है काट के। तो आप अगर उड़द दाल नहीं पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा चला लेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी हम यहाँ डालते रहे हैं। आप चाहें तो धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए इसी तरह से भून सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी ज्यादा देर भी इसे भून सकते हैं। और 2 मिनट के अंदर ही ये इडलियाँ तैयार हो जा रही हैं। अब देखिए, मैं इसे चला रही हूँ तो कितना अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी इडलियाँ बनी, और बच्चे भी इसे बड़े चाव से खा लेते हैं क्योंकि सभी को पसंद आती है। अब हम चटनी का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ी सी राई डाल दी है उसमें, थोड़ा तिल और लाल मिर्च डाल दिया है। और बस ये तड़का तैयार होते ही हम इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। और इस तड़के से इस चटनी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो बिना तड़के के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया है, बहुत ही इजली डाइजेस्ट हो जाती है, हल्की होती है, कम तेल में बनी हुई है। तो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली, बिल्कुल बढ़िया फूली हुई। और ये साथ में चटपटी सी चटनी, ये तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ ना, एक एक पीस बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और साथ में ये चटनी भी है।
तो एक मैं आपको फोक से पिंच करके दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया सी, बिल्कुल सॉफ्ट सी ना। और मैं अब एक दबा करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट सी इडलियाँ बनी और बहुत इजीली बन गई हैं। तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।